है बखमानी रखी प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम सब्सक्राइब कर लें। अगर इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं अपनी बहन को ज़रूर याद करें, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, एक छोटी सी सूरह मुबारक को उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। जहाँ चाहेंगे वहीं आपकी शादी होगी, हर किस्म की रुकावट ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपके साथ, जो आप जहाँ चाहते हैं अल्लाह पाक आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह वहीं पर ही पैगाम शादी का आएगा। अगर आप किसी प्यारे से, किसी से मोहब्बत रखते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत रखते हैं, मेरे रब ने मोहब्बत हमारे नबी से की, हमारे नबी ने मोहब्बत हमारे अल्लाह पाक से की, ठीक है ना। इसी तरह की एक पाक मोहब्बत, एक पाक चाहत जौन सी है अगर आपके दिल में भी हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अमल करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अमल जुमे रात को ईशा की नमाज़ के बाद आपने करना है और कोशिश करें चाँद के दिन चल रहे हों। कभी भी चाँद के घटते दिनों में, यानी चाँद की 14-15 से लेकर 30 तारीख तक कभी अमल ना करें, ख़ासकर मोहब्बत का, चाहत का, रिश्तों के जो आपस में मिलाने का, रुकावटों का, ये वाला अमल कभी नहीं करना चाहिए। चांद की पहली तारीख से 14 तारीख तक करना है, जुमे रात वाले दिन आप ये अमल करें, इंशाल्लाह जो भी आपका मसला है अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो जाएगा। सूरह इखलास सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है, ठीक है, एक मरतबा पढ़नी। अब उसका तरीका आप गौर से सुन लें। रात को सोने से पहले पहले ईशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज ना छोड़ा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ के बाद सूरह इखलास आपने एक दफ़ा आपने पढ़नी है, और सिर्फ उस जिस वक़्त आपने पढ़नी है उस वक़्त आपका तसव्वुर इतना मज़बूत हो कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अगर नहीं है तो फिर आप तस्वीर देख लें, तस्वीर के ऊपर दम कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर मतलब कि तस्वीर लगा कर फिर आप वहाँ तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और फ़र्ज़ करें आपका तसव्वुर कायम हो गया, ठीक है, तसव्वुर जब कायम हो गया तो आप या वदूदों का विर्द करते हुए, या वदूदों का विर्द कम अज़ कम 300 मरतबा तो लाजिम करें। नहीं करते, जितना भी आपसे किया जाता है, 10 दफ़ा भी किया जाता है, पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं, ठीक है। आपने किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, और किसी से भी कोई मसला मतलब कि बोलना नहीं है, टीवी, गाने, ये चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है, मोबाइल तक नहीं देखना, और या वदूदू पढ़ते आप सो जाए, सुबह आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ चाहते हैं वहीं शादी, वहीं से पैगाम आएगा। अमल गलत नहीं होता, करने का तरीका आप कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं। जिस तरह समझाते हैं प्लीज़ उसी तरह किया करें। नहीं समझ आती, 10,000 मरतबा हमारे चैनल पर आकर बात करें, पूछें, आपको जवाब दिया